नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गेट नोटबुक चैनल में। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को गेट नोटबुक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो शायद आपसे छूट जाए, मिस हो जाए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लेसन्स की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो आशा करती हूँ कि आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आज हम इस पर्टिकुलर लेसन में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो एक सिंगल वीडियो में आपको मिलेंगे टोटल 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नॉर्मलाइजेशन टॉपिक पे विद कॉन्सेप्ट्स एंड विद ट्रिक्स। सो यहाँ पे एग्जाम कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, तो गेट एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, इसरो एग्जाम के लिए और बार फॉर अदर जितने भी पीएसयू एग्जाम्स है ना, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा ये वीडियो, जिसमें कि हम नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेसेस टॉपिक से टोटल 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। और बिल्कुल आप ऐसा ना समझे कि ये 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कंसेप्ट तो आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, बात तो सही है। तो कंसेप्ट के लिए भी मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में आपके लिए रखा है कि आप अगर उस पेज को देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1NF, 2NF एंड 3NF क्या होता है और BCNF क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपने बारे में कि मेरा नाम श्वेता कुमारी है और मुझे 2 साल का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं अनअकैडमी में एजुकेटर वर्क कर रही हूँ। अभी भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ वहाँ पे। और बाकी आप मेरे देख सकते हैं कि मेरे इतने लाइफ टाइम व्यूज़ हैं अनअकैडमी में और मैंने टोटल 165 कोर्सेज क्रिएट किए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन टॉपिक को कवर करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि 1NF, 2NF, 3NF, BCNF का शॉर्ट का इंट्रोडक्शन। तो 1NF की अगर हम बात करें तो इन बाय डिफॉल्ट रिलेशनल डेटाबेस में एवरी रिलेशन आपका कौन से फॉर्म में होता है, 1 नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो आपको 1 नॉर्मल फॉर्म को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन रिलेशनल डेटाबेसेस एवरी रिलेशन एग्जिस्ट फॉर 1NF एंड सेटिस्फाई 1NF। ओके, तो और मैं इसको बेसिक इंट्रो देना यही चाहती हूँ कि 1NF के केस में कोई भी कंपोजिट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, सेम काइंड और यूनिक एंट्रीज होनी चाहिए, कोई भी 2 रो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे नो कंपोजिट वैल्यूज का मतलब नो कंपोजिट वैल्यूज यानी कि एक ही वैल्यू होगी एक सेल ऑफ द टेबल में, यानी कि एक ही वैल्यू होगा फॉर एवरी सेल, 2 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सेम काइंड और यूनिक एंट्रीज यानी कि अगर आपसे नाम पूछा है तो नाम ही लिखना, आईडी मत लिखना, रोल नंबर मत लिखना, आईडी पूछा है तो आईडी ही लिखना, नाम मत लिखना, ठीक है। तो ये होता है आपका सेम काइंड और यूनिक एंट्रीज। यूनिक एंट्रीज का मतलब कि अगर आपसे नाम पूछा है तो आप एक ही बार नाम में ए लिख सकते हैं, 2 बार नाम में ए नहीं लिख सकते, और कोई भी 2 रो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप 1NF आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे भी 1NF को आपको उतना फोकस नहीं करना, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में एवरी रिलेशन आपका 1NF फॉलो होता ही है। सेकेंड NF बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड NF कहता है कि एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होनी चाहिए वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी की जगह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर ये आपके पास 2 FD गिवन है, दैट इज BC डिराइव्स ADEF एंड BD डिराइव्स F, और अगर आपको गिवन है कि BC आपका कैंडिडेट की है, तो BC अगर आपका कैंडिडेट की है तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एट्रीब्यूट के रिलेशन है A से लेकर F तक वो उस पर फुल्ली डिपेंड करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ADEF जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है आपके BC पे। जब F यहाँ पे फुल्ली डिपेंडेंट है आपके BC पे, तो F को अलग से क्या ज़रूरत थी B पे अकेले डिपेंड होने की। तो ये BC का आधा पार्ट क्या होगा, B होगा या तो C होगा। तो यहाँ पे अगर BC से हटकर अलग से B पे या अलग से C पे कोई एट्रीब्यूट डिपेंड करता है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि क्या होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। उसको मैं एग्जांपल के साथ भी बताऊंगी कि सेकंड NF क्या होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें कि मैं आपको सेकंड NF के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। आपको इसमें सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि कैंडिडेट की कौन सा है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है। फर्स्ट स्टेप यही कहते हैं सेकंड NF का, पहले ये डिटरमाइन करो कि कैंडिडेट की कौन है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है। तो कैंडिडेट की निकालने के लिए हम हर एक FD का क्लोजर निकालेंगे। तो मैंने A का क्लोजर निकाला। A का क्लोजर A हमेशा होगा अपने आप में, ऑब्वियसली एक क्लोजर अगर A का निकालना है तो A के क्लोजर में A खुद हमेशा आएगा और बाकी वो जिसको डिराइव कर रहा है। तो A डिराइव कर रहा है इन 5 को, तो 5 भी आ जाएंगे इसके क्लोजर में। अब क्योंकि A आपके
ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन को डिराइव कर रहा है फ्रॉम ए टू एफ, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो आपका कैंडिडेट की है, ठीक है। अब बी सी का क्लोजर निकालते हैं, तो बी सी का क्लोजर बी सी खुद होगा और साथ ही साथ ये चारों होंगे। अगेन बी सी इज डिराइविंग ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, सो वी कैन से दैट कि बी सी इज ऑल्सो द कैंडिडेट की। तो बी सी को हमने लिस्ट आउट कर दिया कि ये कैंडिडेट की है। अब हम देखते हैं कि बी का क्लोजर क्या होता है, तो बी का क्लोजर क्या होगा, बी और एफ होगा और किसी को डिराइव नहीं कर पा रहा, इट मीन्स कि इट इज नॉट डिटरमाइनिंग, ये आपके सारे एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन को नहीं डिटरमाइन कर रहा, देयरफॉर बी इज नॉट द कैंडिडेट की। तो बी अगर कैंडिडेट की नहीं है तो वो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के केस में आ जाएगा। बट अगर आप देखें, एक चीज नोटिस करें, तो बी सी तो ऑलरेडी बी सी में आपका बी आ चुका है एज अ कैंडिडेट की, तो मैं बी के लिए चेक ही नहीं करूंगी और बी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बी ऑलरेडी आपके कैंडिडेट की में है। कहने का मतलब है, अब डी का क्लोजर चेक करें, तो डी का क्लोजर क्या होगा, डी और ई होगा, है ना। तो इट मीन्स कि डी और ई ही डिराइव कर पा रहे, तो डी इज ऑल्सो नॉट द कैंडिडेट की। अब जो भी जो कैंडिडेट की नहीं होता वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है। अब क्योंकि ए बी सी आपके कैंडिडेट की हैं, तो वो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होंगे। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, दैट इज डी ई एफ, वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के लिस्ट में आएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को निकालने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि कैंडिडेट की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना होता है, जो हम एट्रीब्यूट के क्लोजर निकाल कर बताते हैं, और जो एट्रीब्यूट सारे एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन को डिराइव करे वो आपका कैंडिडेट की होता है, और जो नहीं होता कैंडिडेट की वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे रखा है। अब यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को वन बाय वन आप लो, तो मैंने डी को पहले लिया, और डी को देखना है कि डी कहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द एफडी में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इस प्रोडक्शन को लिया, ठीक है, और इसको भी लिया, और कहीं पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा राइट हैंड साइड पे। अब आपको देखना है कि क्या डी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या फुल्ली डिपेंडेंट है आपके कैंडिडेट की ए और बी सी पे। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि हाँ, यहाँ पे डी जो है आपका वो ए पे डिपेंड कर रहा है। ओके सॉरी, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइटर हम यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो डी है आपका वो ए पे डिपेंड कर रहा है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ए कैंडिडेट की, और डी जो है वो भी आपका फुल्ली डिपेंड कर रहा है आपके कैंडिडेट की बी सी पे, मतलब कि वो ही तो कैंडिडेट की है ए और बी सी, और जो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी है वो इन दोनों पे फुल्ली डिपेंड कर रहा है, पार्शियली डिपेंडेंसी कहीं नहीं, तो इट मीन्स कि दिस इज फुल्ली डिपेंडेंट। अब ई के लिए चेक करते हैं, ई राइट हैंड साइड में कहाँ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो तीनों को ले लिया मैंने, यहाँ पे नहीं है तो हमने इसको नहीं लिया। अब ई जो है वो फुल्ली डिपेंड कर रहा है ए कैंडिडेट की पे, हाँ सही है, ई जो है वो फुल्ली डिपेंड कर रहा है बी सी पे, बिल्कुल सही है, और ई जो है वो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं बनता, तो दिस इज फुल्ली डिपेंडेंट है ये भी, क्योंकि आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ई है वो फुल्ली डिपेंड कर रहा है आपके ए और बी सी कैंडिडेट की पे। अब एफ के लिए चेक करते हैं, एफ जो राइट हैंड साइड में जहाँ जाए उन तीनों को ले लेते हैं, तो यहाँ पे इन तीनों में एफ राइट हैंड साइड में, तो हमने ले लिया। अब एफ जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है ए कैंडिडेट की पे, और एफ जो है फुल्ली डिपेंडेंट है बी सी पर। प्रॉब्लम आ गया ना इसमें, प्रॉब्लम ये आ गया कि यहाँ पे एफ जो है वो आपका फुल्ली डिपेंडेंट है बी सी में, ठीक है, पर एफ जब फुल्ली डिपेंडेंट है आपके बी सी पे, तो उसको अलग से बी पे जाने की क्या जरूरत थी, हो गया ना पार्शियली डिपेंडेंट, तो इट मीन्स कि एफ इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की ऑफ बी, ठीक है, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए आपके सेकेंड एन एफ में, पार्शियल नहीं होनी चाहिए, ये प्लीज ध्यान में रखें। फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी उसको कहते हैं कि अगर एक्स डिराइव वाई आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो वाई आपका फुल्ली डिपेंडेंट एक्स पे तभी होगा जब यहाँ पे एक्स डिटरमाइंस करे वाई को, और वाई जो है वो किसी भी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स से डिटरमाइन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका बी सी था वो कैंडिडेट की था, और बी सी का प्रॉपर सबसेट क्या है, बी है, और यहाँ पे वही बोला कि एफ जो है वो इस पे डिपेंडेंट हो, पर इसके किसी भी प्रॉपर सबसेट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द सेकेंड एन एफ। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि डी ई एफ, वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए ऑन द कैंडिडेट की ऑफ आर, पार्शियली नहीं होने चाहिए। तो दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड एन एफ। नाउ लेट्स सी कि अगर ये सेकेंड एन एफ में नहीं है तो हम इसको सेकेंड एन एफ में कैसे बना सकते हैं। तो ये जो आपका फंक्शन डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसमें कौन सा आपका एफ डी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इस सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी में, बी और एफ,
तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको अलग रिलेशन में रखो, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन आर को मैंने डिकम्पोज किया R1 में और R2 में, और R2 में उसको रखूंगी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज B derives F, क्योंकि यहाँ पे F नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंडेंट है आपके कैंडिडेट की B पे। और अगर हम इसको सेकेंड NF बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगी, R2 को अलग कर दूंगी, और अब देखो R1 जो है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंड NF में, तो मैंने R को कंबाइन डिकम्पोज कर दिया R1 R2 में, और R1 को क्या बताया कि दिस इज सेकेंड NF। तो दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड NF। अब बात कर लेते हैं सेकेंड NF, तो क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि जब F आपका BC पे डिपेंड कर रहा है तो उसको अलग से B पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, वेयर BC इज द कैंडिडेट की। नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म यही कहता है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें कि A BC आपका कैंडिडेट की है। क्यों है? क्योंकि A डिराइव कर रहा है ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, और BC भी डिराइव कर पा रहा है ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, क्योंकि A का क्लोजर क्या होगा, ABCDE होगा, और BC का क्लोजर क्या होगा, BC खुद और ADE होगा, क्योंकि आपके रिलेशन में सिर्फ पांच ही एट्रीब्यूट थे A टू E, और ये पांचों को डिराइव कर पा रहा है, देयरफॉर A और BC दोनों आपके कैंडिडेट की हैं। अब D और E जो है आपके कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि D का क्लोजर सिर्फ DE को ही निकालेगा, देयरफॉर जो आपके प्राइमरी की नहीं है, जो आपके कैंडिडेट की नहीं है, वो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बन जाएंगे, तो D और E आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बन गए। अब आप FDs को चेक करें तो यहाँ पे आपका ये कैंडिडेट की है, ये कैंडिडेट की है, तो यहाँ का तो सवाल ही नहीं उठता, पर इन दिस पर्टिकुलर FD आप देख सकते हैं कि D आपका क्या है, D आपका यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और E भी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं डिटरमाइन करेगा इन द केस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देयरफॉर दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को, जिसको मैंने बड़े बड़े में लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जिसको कंसेप्ट समझना है, और जिसको कंसेप्ट नहीं समझना है वो आप वीडियो को आगे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो थर्ड NF का रूल यही होता है कि रिलेशन ऑलरेडी सेकेंड NF में होना चाहिए, और कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कैंडिडेट की पे, और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। तो वही रिलेशन है जिसमें कि मैंने बताया कि चार एट्रीब्यूट है, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल है छोटा सा कि अगर ये रिलेशन है R जिसके पास चार एट्रीब्यूट हैं, कैंडिडेट की अगर BC है तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को मान लीजिए कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट A और D होगा, तो इट मीन्स कि A और D के बीच में कोई भी आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत है, उसको हम बाद में स्किप करते हैं, हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं जो हमने अभी देखा कि यहाँ पे अगर एक रिलेशन है जिसके पास पांच एट्रीब्यूट है और ये FDs आपको गिवन है, तो इसका मैंने कैंडिडेट की निकाला तो A और BC निकला था, जो मैंने आपको बताया भी था। जब A और BC आपके कैंडिडेट की हैं तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा होगा, D और E जो आपके कैंडिडेट की नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट D और E के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, पर देखिए है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एंड दिस इज नॉट ए थर्ड NF। अच्छा, अब इसको अगर कन्वर्ट करना हो थर्ड NF में तो हम क्या करें, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को अगेन हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे इंटू टू फर्दर रिलेशंस, और डिकम्पोज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था दैट इज डी और ई वाला, उसको हम अलग कर देंगे और बाकी को हम अलग कर देंगे, पर डी को हम यहाँ पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि डी आपका यहाँ पे भी है एंड इट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की, देयरफॉर वी विल पुट एंड वी विल कीप डी हेयर एंड दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नाउ सेटिस्फाइंग योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक, आई होप थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। अब हम BCNF की बात कर लेते हैं कि BCNF का रूल क्या है। तो BCNF का रूल बड़ा ही सिंपल है, सिंपल यही है कि यहाँ पे BCNF क्या कहता है कि हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y में, ये जो आपका x होना चाहिए वो सुपर की होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक रिलेशन R है और ये आपके पास कुछ दे रखे हैं FDs, तो इसमें आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा FDs का वो सुपर की होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा कैंडिडेट की है। ठीक है, तो अगर मैं क्लोजर निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा क्लोजर से कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो A का हम क्लोजर निकालते हैं, तो A का क्लोजर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A B C D निकलेगा। BC का क्लोजर निकालेंगे तो BC आ जाएगा और AD भी आ जाएगा, पर यहाँ पे D का क्लोजर निकालोगे तो D और B ही आएगा, है ना। तो इट मीन्स कि दिस इज नॉट अ सुपर की, ये दोनों तो सुपर की हैं तो चलेगा, पर इन दिस पर्टिकुलर FD जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो सुपर की नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट इन BCNF। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख भी सकते हैं, बड़ा बड़ा मैंने लिखा हुआ है कि BCNF के रूल्स में ऑलवेज ये आपको याद रखना है कि BCNF के केस में
वो आपका पहले से थर्ड एनएफ होना चाहिए, और अगर कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई है तो उसमें एक्स आपका सुपर की होना चाहिए। बाकी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे अगर आपके पास रिलेशन है विद द फॉलोइंग एफ डीज, तो यहाँ पे आपका ये जो है ए और बी सी वो आपके कीज है, तो हर एक एफ डी में जो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए वो की होना चाहिए, डी इज नॉट की, देयरफॉर दिस इज नॉट इन बी सी एन एफ। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं उसको आप देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है जिसमें कि वन कैंडिडेट की है, अगर आपके पास कोई रिलेशन है जिसमें कि वन कैंडिडेट की है, तो वो ऑलवेज आपके थर्ड एनएफ और बी सी एनएफ को सेटिस्फाई करेगा। क्यों क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास अगर एक कैंडिडेट की होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कैंडिडेट की हम रख देंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए वो आपका थर्ड एनएफ हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से बी सी एनएफ के केस में अगर एक कैंडिडेट की होगा तो वो बी सी एनएफ को सेटिस्फाई करेगा, है ना, बी सी एनएफ को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें एक की तो चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे भी अगर एक की आ जाएगा तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आएंगे। तो अगर एक कैंडिडेट की होगा एक रिलेशन में, सिर्फ एक कैंडिडेट की होगा, तो ऑब्वियसली नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का कोई भी सीक्वेंस ही नहीं बैठता, तो वो ऑब्वियसली थर्ड एनएफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और बी सी एनएफ के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा, जो यही कहता है कि उसको एक की रिक्वायरमेंट है। अब अगर कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में है तो वो थर्ड एनएफ में होगा। तो ट्रांजिटिव थ्री थ्री, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगर ट्रांजिटिव की बात हो रही है तो थ्री एनएफ होगा, और अगर नहीं है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो थ्री एनएफ नहीं होगा, बी सी एनएफ में होगा वो। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव है तो वो थ्री एनएफ, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो वो आपके बी सी एनएफ में होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि थ्री ट्री, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि 2NF, 3NF, BCNF इन सब में लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि कोई लॉस नहीं होता है, और लॉसलेस का दूसरा नाम होता है नो लॉस डिकम्पोजिशन। तो जब ऑब्वियसली लॉसलेस नहीं हो, लॉसलेस होता है तो नो लॉस ही भी होगा, है ना, मतलब कि लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, तो इन तीनों में कभी भी लॉस नहीं होता। इस तरीके से रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म होते हैं। तो 2NF और 3NF डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होते हैं, BCNF हमेशा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होता, तो प्लीज़ याद रखें। अब देखिए 2 के बाद 3 आता है, तो 2 3 पे डिपेंडेंट है, 3 2 पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, देयरफॉर ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। तो इसलिए 2NF 3NF आपके डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, बाकी BCNF कोई भी नंबर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। अगर एक रिलेशन R की बात करें और उसमें अगर ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वो आपके बी सी एन एफ को फॉलो करेगा। तो ट्राइवियल भी सुनने में 3-3 लग रहा है, पर इस पर कन्फ्यूज ना हो, ट्रांजिटिव जो होता है वो 3NF में होता है और ट्राइवियल आपके बी सी एन एफ में होता है। बी सी एन एफ में कभी भी रेडेंडेंसी नहीं होती, जीरो रेडेंडेंसी होती है, याद रखें इस चीज़ को। साथ ही साथ अगर एक रिलेशन के पास सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट हैं तो वो रिलेशन 2NF और 3NF को फॉलो करेगा। क्यों? प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कैंडिडेट की होते हैं, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कैंडिडेट की नहीं होते हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट यानी कि अगर रिलेशन में सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं तो ऑब्वियसली नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आएगा ही नहीं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आएगा तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व, तो इसलिए वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों होगी? क्योंकि अगर सारे के सारे रिलेशन में प्राइम एट्रीब्यूट होंगे तो कोई भी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट की पे पार्शली डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे आपके क्या होंगे? प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा ही नहीं तो प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी ना सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। अब बात कर लेते हैं अगर एक रिलेशन बाइनरी रिलेशन है जिसके पास सिर्फ दो एट्रीब्यूट होते हैं तो वो आपके बी सी एन एफ को सेटिस्फाई करता है, और रिलेशनल डेटाबेस में हर एक रिलेशन 1NF में ऑटोमेटिकली होता है। तो ये हो जाता है हमारा कंसेप्ट कंप्लीट 1NF 2NF 3NF BCNF के। नेक्स्ट लेसन में हम नॉर्मलाइजेशन के गेट प्रॉब्लम्स को देखेंगे, टोटल 40 गेट प्रॉब्लम्स को, तो हम यहीं पे इसको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इस लेसन को पर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को कवर करवाएगा और नेक्स्ट वीडियो आपके गेट प्रॉब्लम्स जो टोटल 40 में करवाऊंगी नॉर्मलाइजेशन के, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो बेहतरीन आपका जो है वीडियो वो मिस ना हो जाए 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि कुछ और आपके पास टिप्स और ट्रिक्स होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।